उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में हो रही लूट की वारदातों को देखते हुए पुलिस ने सख्ती के साथ दो लुटेरों को धर दबोचा है। आपको बता दें कि राहगीरों से हुई लूट की घटनाओं की रोकथाम के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा अपराधियों की धर पकड़कर पुलिस ने लूट और छिनैती की घटना कारित करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में कोतवाली सदर पुलिस ने ईदगाह तिराहे पर संदिग्धों की चेकिंग के दौरान शास्त्री चौराहे की तरफ से एक अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को तेजी से आते देखा। पुलिस ने ईदगाह चौराहे पर उन्हें रोककर चेकिंग की तो आरोपियों के कब्जे से एक मोबाइल, एक सोने की चैन बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी सुमित और पवन कुमार को जसवंत नगर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक लूट की चैन, पीली धातु, एक मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल मामले में एसएसपी ने साहसी युवती को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार दिलाने के लिए प्रस्ताव भेजने की बात कही। देखिए, आज दो साथी लुटेरे पकड़े गए हैं जिनसे दो घटनाओं का अनावरण हुआ है। एक 19 जुलाई को प्रातःकाल चलते समय एक पत्रकार महोदय के गले की चैन छीनी गई थी, चैन बरामद हुई है। 31 तारीख को एक लड़की से मोबाइल छीना गया था, मोबाइल बरामद हुआ है। और ये दोनों अभियुक्त का एक गैंग है जिसमें कभी और भी बहुत से लोग बाहर हैं, जिसके लिए गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें सक्रिय हैं और उनको गिरफ्तार करके अन्य घटनाओं का भी अनावरण किया जाएगा।